हमने कल वाले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें हम आगे का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जो है हमारा डेप्रिसिएशन। तो अगर हम ये कहें कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है उनकी वैल्यू में जो कमी होती है वो कहलाता है। वो किस वजह से हो सकता है? नॉर्मल वियर एंड टियर, हमारी जो भी मशीनरीज हैं, हमारे जो भी प्लांट्स हैं, उनमें जो उनको यूज करने से उनमें जो एक रेगुलर टूट फूट होती है, वियर एंड टियर मीन्स जो भी टूट फूट होती है उसकी वजह से जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा, एक्सीडेंटल डैमेजेस, कि एकदम हमारी कोई भी एक मशीन थी जो प्रॉपर वर्किंग कर रही थी लेकिन सडनली उसका कोई भी एक पार्ट जो है वो टूट गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सीडेंटल डैमेज। थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है जब कोई भी हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट होता है ड्यू टू द चेंज इन डिमांड और ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीजमेंट हो रहा है या जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसके हमारे ये तीन मेन कॉजेस हम इनको लेके चलते हैं कि हमारी जो मशीन है, हम कोई भी चीज़ हम रेगुलर इस्तेमाल करते जा रहे हैं। सपोज हमारे घर में एक स्विंग मशीन है तो हमें अपनी स्विंग मशीन की मेंटेनेंस करवानी पड़ती है क्योंकि कभी उसका स्विटल टूट गया, कभी उसकी निडल टूट गई, तो वो हमारा क्या हो गया? वियर एंड टियर हो गया नॉर्मल। अब अचानक से ही करते करते उसका हैंडल टूट गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा एक्सीडेंटल डैमेज। और अगर हाथ से चलाने वाली मशीन की जगह पर इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन आ जाए तो वो जो हमारी हाथ से चलाने वाली मशीन की वैल्यू में जो डिक्रीजमेंट हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिए कि आपको अगर कहीं पर डेप्रिसिएशन वर्ड ना देकर आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल तो वो भी आपके डेप्रिसिएशन को ही डिनोट करता है। क्लियर? द नेक्स्ट इज जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है वो क्या होगा हमारा? अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है हमारा जहां पर जो भी चेंजेस होते हैं हमारे वो हमारे किस वजह से है, उसके हमारे दो रीजंस है। एक तो हम कहते हैं ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक ये देखिए, जैसे लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दीज बिकेम ऑब्सोलेट और आउटडेटेड, तो क्या कहलाता है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? क्या है कि जब हमारे फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है उनमें रिडक्शन हो जाता है क्योंकि वो हमारी पुरानी हो गई है या हमारी आउटडेटेड हो गई है उसकी वजह से। दूसरा, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दीज बिकेम ऑब्सोलेट आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन डिमांड। अब देखिए, हमने यहां पे कहा कि लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दीज बिकेम ऑब्सोलेट और आउटडेटेड, यहां पर हम ये कहें कि ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। सपोज हमारा पहले क्या होता था, घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज चला करते थे। ठीक है, अब वो चेंज होके कलर टीवी आए, कलर टीवी के बाद आपका एलईडी एलसीडी, तो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाली जो कंपनी थी वो बंद हो गई। वो क्यों बंद हो गई? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कोई भी नहीं अपने घर में लगाना पसंद करता है। लोग जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है उसी को ही या एडवांस टेक्नोलॉजी है उसी को ही वो यूज करना चाहते हैं। दूसरा, हमने कहा लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दीज बिकेम ऑब्सोलेट आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन डिमांड, कि पहले मार्केट में जो डिमांड थी, अगर हम उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर भी ले लें कि पहले क्या था मार्केट में, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड थी तो इसीलिए उसका जो प्रोडक्शन था उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी ज्यादा हो रही थी, लेकिन उसके बाद
कलर टीवी डिमांड में आ गया, तो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाली कंपनीज थी वो बंद हो गई। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज जो है उनके प्रोडक्शन को वहीं पे रोक दिया। तो वो क्या हुआ, जो वो प्लांट था या वो जो फैक्ट्री थी, वो जो मशीनरीज थी, उनकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुआ, उनकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट हुआ ड्यू टू द चेंज इन डिमांड। तो हमारी जब भी हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट होता है टेक्नोलॉजी में बदलाव की वजह से या जो हमारी सोसाइटी है उसकी डिमांड की वजह से, हम एज अ प्रोड्यूसर हम किन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। अगर डिमांड में डिक्रीजमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, हम अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे या जो हमारे एसेट्स हैं हम उनका यूज कम कर देंगे तो उनकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो था हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इसी के ही साथ साथ आता है हमारा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है हमारा, कि यहाँ पर तो हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है उसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है, वो हमारा किस वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी में बदलाव की वजह से, डिमांड में बदलाव की वजह से। लेकिन अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि जो हमारा सडनली हो गया, जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं या इस तरीके के बदलाव हो सकते हैं जिनसे कि हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू गिर जाएगी, उनकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट आ जाएगा। वो क्या है हमारे, हम कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज क्या हुई कि सडनली फ्लड आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी मशीनरी थी, जो हमारे प्लांट थे, वो हमारे खराब हो गए। उनमें उनकी वर्किंग पावर जो थी, उनकी वर्किंग एबिलिटी जो थी वो कम आई। फ्लड आया, पानी भर गया, हमारी जो सारी मशीनरीज थी वो खराब हो गई। उससे क्या होगा, उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। दूसरा, ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमी में मंदी की कंडीशन है। रिसेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हमारी डाउन हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। तो अगर इकोनॉमी में रिसेशन की कंडीशन है तो उस टाइम पे क्या है कि लोगों के पास, या हम ये कहें कि इकोनॉमी में हमारा मनी फ्लो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास उस टाइम पे काम नहीं है। जब मनी फ्लो नहीं है, लोगों की एक्सपेंडिचर पावर कम है, तो उस टाइम पर जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। डिमांड कम होने की वजह से जो हमारी मशीनरीज हैं वो हमारी प्रॉपर यूज नहीं हो रही है, डिमांड की वजह से उनमें हमारा डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर ये दोनों रीजंस हो गए हमारे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के, क्लियर है। उसके बाद में हम कहते हैं कि हमारा ये जो डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन के लिए हम एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के चलते हैं कि हमारा जो भी हमने, जब हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं या हम जो अर्निंग्स कर रहे हैं, हमने एक पैसा उठाकर अलग से रख दिया, उसको हमने नाम दे दिया हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक, तो ये जो हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर डेप्रिसिएशन की सिचुएशन है या अगर हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं उनका, उनकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो हमारा वो जो पैसा है हम उसको आगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उससे हम अपनी मशीनों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कहीं पर भी रुकेगा नहीं। हम अगर एक नॉर्मल सा एग्जांपल अगर हम ले कि घर में हमें जो हमारा एक मंथली एक्सपेंडिचर मिलता है, एक पैसा मिलता है हमें, एक अमाउंट मिल गया, हम उसमें से कुछ पैसा निकाल के बचा के एक अलग रख लेते हैं। वो पैसा हमारा कब काम आता है, अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर सडनली कोई गेस्ट आ जाए हमारे, या कहीं पे भी कोई ऐसा एक एडिशनल खर्चा आ गया जो हमें करना पड़ रहा है, तो हम उस पैसे को यूज करते हैं और उससे हम बिना डिस्टर्बेंस के, बिना अपने घर को डिस्टर्ब किए हुए, हम उन खर्चों को निपटा लेते हैं। तो उसी तरीके से ये जो हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, ये हमारा जब भी हमारे क्राइसिस आते हैं,
या हम कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को फेस करते हैं तो उस टाइम पर हमारा ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड काम आता है और ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है क्योंकि हम इसको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं।